इसी बीच बड़ी खबर देवघर से, जहां 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। इनमें से 3 पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार। कई थाना क्षेत्रों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। नेहावाला डीएसपी ने यह जानकारी दी। और ज्यादा जानकारी ले देवघर से सहयोगी मनीष हमारे साथ है। मनीष, लगातार साइबर अपराधियों की धरपकड़ हो रही है और इसी में एक कड़ी और जुड़ी है, 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है। और क्योंकि जो पिछले जो एसपी थे उनके आने के बाद से लगातार इनकी तादाद बढ़ी थी, लगातार छापेमारी हो रही थी और पकड़े भी जा रहे थे। हालांकि लग रहा था कहीं अगर एसपी का तबादला हुआ तो शायद इसमें कमी होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देवघर पुलिस लगातार इन साइबर अपराधियों और इस बार भी 10 जो साइबर अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं। और अगर हम थाना की बात करें तो ये विभिन्न थाना है, जिसमें मधुपुर है, देवीपुर थाना है और तालाजोरी और कुंडा। इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम थाना, जो पूरा क्षेत्र है, जो एक तमाम जो इलाका है, उन सभी इस इलाके में ये अपराधी अभी भी कह सकते हैं कि सक्रिय है, क्योंकि जाम तार से सटा हुआ जो इलाका है वो, और ये कह सकते हैं कि इधर ही ज्यादा लोग ये हैं। सबसे ये बात है कि लेकिन चूंकि लगातार कार्रवाई हो रही है, पकड़े भी जा रहे, तो निश्चित तौर पर पुलिस इसके लिए जरूर शाबाशी की ये है इसके लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जो इनके साथ, जो इनके जो जमीन है, जो इनके जो परिसंपत्ति जिसको हम कह सकते हैं, उसकी जब तक नहीं पकड़ी जाती है, वो उसकी कुर्की नहीं होती है उसके खिलाफ, यानी कि इस एक्ट में जो कहीं बदलाव नहीं आता है, तब तक शायद संभावना कम ही बनता है कि इसकी रफ्तार कम हो सकती है। जो लोग ठगी जाते हैं उनके पैसे, उनके नकदी, उनके वापस नहीं हो पाते, जो कानूनी प्रक्रिया है, ये एक सबसे बड़ी बात है। जी, लगातार ऐसे अपराधी जो क्राइम कर रहे हैं, साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों के पैसे निकाल रहे, एक गिरोह काम कर रहा है। इसके पहले भी 3 लोग इनमें से पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं मनीष। निश्चित तौर पर उन्हें भोपाल की पुलिस 2018 में ही मधुपुर से गिरफ्तार की थी। ये 2 अभियुक्त हैं, जिनमें एक है अभियुक्त सुनील दास जो देवीपुर के हैं, कांड संख्या उनका 20 की बात है, और ये पकड़े गए हैं। आपको भोपाल पुलिस ने इनको 2018 में पकड़ी है। दूसरी जो सुखदास है उनको पहले भी वो आरोपी रहे हैं। लेकिन यही बात मैं कह रहा था कि चूंकि इसमें धाराएं जो हैं, जो लग रही हैं, जो आईपीसी की जो धाराएं, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि पुलिस कोर्ट में बहुत बड़े साक्ष्य या कड़े साक्ष्य को उपस्थित नहीं कर पा रहे, ये वजह है कि ये लोग जल्द से जल्द इन्हें फिर जमानत भी मिल जा रही। हालांकि यही सवाल हम लोगों ने पिछले जो एसपी यहाँ अश्वनी कुमार सिन्हा थे, उनसे भी हमारे सवाल यही हुआ था। उन्होंने कहा था कि मेरे पीरियड में जो जमानत की जो प्रक्रिया है, जमानत की जो दर है, वो कम है, बहुत जल्दी नहीं मिलती है। लेकिन एक एसपी के होने से नहीं होगा, जरूरत इस बात की है, जिसकी वकालत वकील अधिवक्ता समूह ने भी इस बात को कहा था कि जब तक बदलाव नहीं आएगा, कड़े कानून नहीं नियम लगेंगे कि इनको जमानती जरा जमानत जल्द से जल्द न मिले, इनके जल्द से कार्रवाई हो, या फिर इनकी जो संपत्ति जो है उसकी उसकी जब्ती हो, तब जाकर के निश्चित तौर पर तब जाकर अंकुश लगेगा। क्योंकि हम लगातार इन खबरों को दिखा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं तो हो ही रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए।